रूपा जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि सरसों में कुछ सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो सरसों 8200 के घरों में नीचे जा चुकी थी, अब वो 8400 पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है सरसों में अब ट्रेंड कैसे रहने वाला है, और सरसों के साथ साथ बाकी खाद्य तेलों में जैसे सोयाबीन, CPO और रिफाइंड सोया में कैसा ट्रेंड रहेगा? देखिए, घरेलू मार्केट में अभी फिलहाल देखा जाए तो त्योहारों के चलते खाने के तेलों में फिलहाल बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी है। सरकार के ड्यूटी कट के फैसले के बाद खाने के तेलों में प्रति लीटर की अगर बात करें तो 10 से 15 रुपए तक की कमी देखने को मिली है। लेकिन भारत में ड्यूटी कट से मलेशिया और इंडोनेशिया में कीमतों में मजबूती देखने को मिली है। तो आपको मुझे लगता है कि अभी छुटमुट गिरावट जो है अभी और भी बनी रह सकती है। और अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो मलेशिया के अंदर अभी जो है CPO के भाव बढ़े हैं, और खाने के तेलों में ग्लोबल डिमांड काफी अच्छी खासी निकलती हुई दिखाई दी है। बायोडीजल से भी अच्छी मांग से सपोर्ट बनता हुआ इंटरनेशनल मार्केट्स में दिखा है, और वहीं कनाडा में बिनोला की फसल पर असर से खाने के तेलों को भी सपोर्ट मिला है। तो काफी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट्स में मजबूती की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट के अंदर फिलहाल बाजार जो है एक सुस्ती के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने स्टेप उठाया है उसका असर भारतीय बाजारों पर तो आया है, लेकिन विदेशी बाजारों में प्राइसेस जो है वो तेज हुए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो है बाजार थोड़ा सा उठ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबी तेजी फिलहाल बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी।